ये आज एक सिंबॉलिक था, लोग को जागरूक हो कि मतलब गरगा को बचाया कैसे जा सकता है। जैसे कि लोग आते हैं पूजा का सामग्री सारे पॉलिथीन बांध के गरगा में डाल देते हैं, बहुत सारे लोग गोबर बहा रहे हैं, और जैसे नालियां हैं, सरकार की सख्त हिदायत है कि वाटर हार्वेस्टिंग अपने घर में बनाएं। अगर वाटर हार्वेस्टिंग बना लेते हैं घर का 90% पानी घर में उनका रह जाएगा, जिससे वाटर लेवल हमारा बढ़ेगा, और जो सिर्फ टॉयलेट का पानी उसे आप नाली में बहाएं। ये प्रावधान है और सख्त प्रावधान है, लेकिन लोग इम्प्लीमेंट नहीं करें। लोग से कितनी बार अपील करिए, फिर आज अपील करता हूँ, वाटर हार्वेस्टिंग अगर हर घर में बन जाता, अगर 50% पानी भी वो रख लेते हैं तो गरगा में मतलब 50% हम शुद्ध जरूर कर लिए, अगर वो चीज़ हम सफल होते हैं करने में। हम देख रहे हैं कि नदी में सारे घरों के नाले जो हैं, जितनी गंदी नालियां हैं सब नदी में, तो आप उसके लिए क्या करेंगे? जी, इसके लिए अभी चास नगर निगम में सीवरेज सिस्टम नहीं है, इसकी प्रावधान DPR बन रही है। आने वाले कुछ वर्षों में सीवरेज सिस्टम जब तक नहीं बनेगा ये कोई भी नहीं बंद कर सकता। सीवरेज सिस्टम इसके लिए बहुत ज़रूरी है, इसके लिए फंड भी गवर्नमेंट की तरफ से अलॉटमेंट है, इसका DPR चल रहा प्रोसेस में है। DPR जिस दिन कंप्लीट होगा आने वाले कुछ वर्षों में ये हम लोग ख़त्म करने का, मतलब हम लोग नहीं कर पाएं लेकिन अगले बार जो रहें हो सकता है वो कर दें, बहुत जल्द पैसा इसका आ जाएगा और ये सिस्टम चालू हो जाएगा। सिर्फ ये ग्रीन लाइन जो संस्था है, बच्चे लोग जो कर रहे हैं आयुनी सबको से, उनका मैं तहे दिल से आभार करता हूँ कि उन्होंने चास की इतने संख्या में, आज हजारों की संख्या हम लोग जागृत होकर आए। अगर इनके 50% लोग भी अगर जागृत रहते हैं इसमें तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी इस संस्था के लिए, ग्रीन लाइन के लिए। सहयोग से जैसे कि कचरा जो भी निकाल कर रख रहे हैं, JCB जो संभव, जहाँ तक संभव हो JCB देकर, टिपर देकर कचरे को निकाल रहे हैं, उसको फेंकने का काम किया जाएगा। और रहा जो आप लोग नालियाँ का कह रहे हैं सहयोग, उसमें समय लगेगा। ठीक।